हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं मिनती स्वागत करती हूँ मेरी और एक ट्रैवल ब्लॉग। आपको मेरे साथ रहना होगा फास्ट से लास्ट तक देखने के लिए। अभी हम पहुँच गए हैं लेह लद्दाख और कारगिल से श्रीनगर या हमारा कश्मीर टूर अभी आप देख पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा मेरे वीडियो तो ज़रूर एक लाइक कर देना, नए है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करने को भूलना मत। चलिए अभी हम पहुंच गए हैं डल लेक। आप तो जानते हैं श्रीनगर का दिल है डल लेक। जो कोई भी श्रीनगर घूमने आते हैं पहले आते हैं ये द मैजिक ऑफ श्रीनगर सिटी डल लेक। आपको ये सेंटर में ही पड़ेगा क्योंकि सिटी का सेंटर में ही ये अवस्थित है। आप ज़रूर अगर कश्मीर आते हैं श्रीनगर आते हैं तो एक बार ज़रूर इसको विजिट करना। हमारा लेह लद्दाख ट्रैवल के साथ कश्मीर भी हमारा ट्रैवल पैकेज में इंक्लूड था, इसलिए हम पहले लेह लद्दाख घूम के अभी आ गए हैं श्रीनगर। अभी हम आप देख रहे होंगे शिकारा बोट में हम है। शिकारा बोट अभी हम ले जा अभी हमको ले के जाएगा हमारा हाउस बोट के तरफ। एक रात के लिए अभी हमको उधर ही ठहरना पड़ेगा हाउस बोट में, और उसमें हमें एक रात के लिए शिकारा राइड भी हम जाएंगे। देखिए अभी हम पहुंच गए हैं हाउस बोट में डल लेक का। पहला वाला रूम देखिए, पहले आप इधर आके चाय पानी कुछ भी पी सकते हैं और टीवी एंजॉय कर सकते हैं। ये है इसका डाइनिंग ड्राइंग रूम जैसे। अभी हम पहुंच गए हैं हमारा रूम में हाउस बोट का। दो रूम हमने बुक किया था। देखिए ये पहला वाला रूम है, कितना अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन। दो बेड है, एक डबल बेड एक सिंगल बेड है, एक ड्रेसिंग टेबल है और अच्छी तरह से इसको सजाया गया है। आप देख के तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और उसके साथ आपको इधर और एक सोफा भी मिलेगा और ब्लैंकेट बेडशीट तो साफ़ सुथरा ही आपको मिलेगा, और उसके साथ पानी बोतल भी है। चाहे तो आप इसमें बैठ के न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। देखिए और बीच में टेबल भी है, फ्लावर वेसल भी है, सब कुछ इधर नीट एंड क्लीन। और नीचे कारपेट भी है। ये सब वुडन से ही निर्मित है। अभी हम देख आपको मैं दिखाऊंगी अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम। देखिए टॉयलेट के साथ वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन भी है और एक बाथ टब भी है। आप उधर ही उसमें ही आपको नहाना पड़ेगा, ठंडा पानी आता है। हम जब जाते थे तब तो गर्मी था, इसलिए हमें ठंडा पानी में नहाना पड़ेगा। कुछ समय उधर रह के फ्रेश हो के चाय पानी स्नैक्स खा के अभी हम निकल गए हैं शिकारा राइड पे। ये शिकारा राइड हमारा ट्रैवल पैकेज के साथ इंक्लूड था, लेकिन वो लोग हमें बोले थे ये आपका
इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा 800 पे करना पड़ा एक घंटे के लिए। आप अगर इधर आते हैं तो ज़रूर पहले से ही शिकारा बोर्ड को बुक करके रखना। और लोग भी जब भी आते हैं सिर्फ शिकारा राइड करने के लिए, शिकारा में घूमने के लिए, तो उस वक्त ही वो बुक करते हैं। चलिए अभी देखते हैं डाल लेक का कुछ व्यू। देखिए कितना अच्छा व्यू है। ये जो बोर्ड से उसको शिकारा बोलते हैं, आप देख सकते हैं हर तरफ से आपको हाउस बोट के साथ शिकारा भी नज़र आएगा, क्योंकि इस बोट या इस शिकारा में उन लोग का डेली इनकम होता है। लोग आते हैं जाते हैं और इसमें वो लोग उनको घुमाते हैं। उसके साथ उनने इसका जो ट्रेडिशनल चीज़ है जैसे ऑर्नामेंटल और कुछ खाने का चीज़, कपड़े, सब कुछ इधर वो लोग बेचते हैं। अगर आपको चाय कॉफ़ी पीना भी होगा वो भी आप पी सकते हैं और कुछ कुछ खा भी सकते हैं। देखिए ये हमको ऑर्नामेंटल दिखा रहा था, अगर आपको चाहे तो आप खरीद सकते हैं। अभी हम मार्केट के तरफ जा रहे हैं। उधर अलग अलग मार्केट है, आपको जहाँ पे जाना होगा पहले से ही आपको बोलना पड़ेगा। अभी पहुँचते पहुँचते हमको इवनिंग हो गया था। देखिए अभी आपको हम दिखा रहे हैं डल लेक का कुछ ब्यूटीफुल व्यू, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। ये शाम का व्यू, हर तरफ से हाउस बोट से है लेक के बीच में ही, और शिकारा बोट्स भी है। शिकारा बोट्स में आप हर जगह घूम सकते हैं, जहाँ जाना चाहेंगे आप घूम सकते हैं। वहाँ पहले से ही बोल के घूम सकते हैं। अभी आपको मैंने डल लेक का आसपास का व्यू दिखाया। अभी हम देखते हैं बाहर से या डल लेक के आगे पीछे का व्यू। देखिए होटल भी है, आप अगर चाहेंगे तो होटल में आके रुक सकते हैं, नहीं तो हाउस बोट में एक रात दो रात के लिए भी आप रुक सकते हैं और उधर एंजॉय भी कर सकते हैं। देखिए इधर ही हमारा एक सीरियल आता था गुलगुलशन गुलफाम, वो शूट हुआ था। कितना अच्छी तरह से सजाया गया है। धीरे धीरे रात हो गया था और देखिए लाइट के साथ डल लेक का व्यू, पानी में कैसे लाइट रिफ्लेक्शन हो रही है आपको दिखाई दिया होगा, कितना अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ मूवी भी इधर शूट हुआ था। देखिए अभी हम पहुंच गए हैं बड़े बड़े जो मार्केट हैं, जहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, उधर अगर आप जाना चाहोगी तो आ सकते हैं। और देखिए दूर से आपको शंकराचार्य टेम्पल दिखाई दिया होगा लाइट के साथ, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको ज़रूर वीडियो में पता लग गया होगा। और देखिए लोग एंजॉय भी कर सकते हैं, गाना गाते हैं जो टूरिस्ट आते हैं शिकारा में ही, गाना गा के एंजॉय करके मार्केटिंग करके जाते हैं। देखिए अभी हम पहुंच गए हैं मेन मार्केट में, जहाँ पे
साड़ी, उनका जो ट्रेडिशनल कश्मीरी साड़ीज, सूट्स, शॉल्स और उनका ट्रेडिशनल फ्रूट्स जो कि इधर ही होता है, सब कुछ आपको इधर ही मिल जाएगा। देखिए कितना अच्छी तरह से सब कुछ सजा के रखा गया है। आपको अगर इधर कुछ ख़रीदना होगा तो आपको बोलना पड़ेगा, जहाँ पे आपको कुछ ख़रीदना होगा। हम लोग एक हैंडमेड दुकान में गए थे, जहाँ पे वो लोग अपने ही हाथ में साड़ी, सूट सब कुछ बनाते थे, और ये इतना अच्छा था और रियल था, आपको देख के पता चला गया होगा। हम अंदर गए, उन लोग जिसमें कपड़े बनाए बनाते थे उसका मशीन भी हमको दिखाया, और कैसे ये बनाया जाता है सब कुछ वो लोग आपको दिखाएंगे। और अगर आप कुछ खरीदना चाहेंगे तो खरीद सकते हैं। हम लोग कुछ साड़ी और कुछ सूट शॉल्स कुछ कुछ खरीद लिया है। सब कुछ खरीद के हम फिर से वापस हमारा हाउस बोट के तरफ चल रहे हैं। आपको अगर इसका जो इनमें कश्मीर का जो जो चीज़ अगर जो इसके लोग या कश्मीर का लोग जो लोग उनकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें आपको अगर ख़रीदना होगा तो यहाँ से आप ज़रूर खरीद सकते हैं, क्योंकि ये उनका रियल है। और बोलते हैं तो कुछ कम दाम में बेचते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ रियल और असली चीज़ मिलता है। एक दिन हम हाउस बोट में रह के एंजॉय करके डिनर करके फिर नेक्स्ट डे हम फिर से वापस आ गए थे ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि आपको पैकेज में डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा आप अगर ट्रैवल पैकेज में आते हैं। देखिए लोग इधर खेती भी करते हैं, आपका उनका डेली इनकम करने के लिए खेती के साथ कुछ बेचते भी हैं, आपको मैंने दिखा दिया। इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, मेरे साथ जुड़े रहे तो देख पाएंगे। बाय एंड टेक केयर।